हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्टोन के बारे में। तो दोस्तों, बेल्टोन की ओर से जो एमसीक्यू एग्ज़ाम हुए थे जिसमें 67 पास आउट कैंडिडेट थे जो कि स्टेनोग्राफर में। तो दोस्तों, सभी स्टेनोग्राफर के पास आउट कैंडिडेटों को टाइपिंग टेस्ट के डेट आ गए हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है जो सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कैसे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और क्या कुछ नोटिफिकेशन में लिखा गया है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप बेल्टोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ से आप उस लिंक को आसानी से डाउनलोड यानी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नीचे की ओर आप जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं जो बेल्टोन स्टेनोग्राफर के 67 क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उन सभी का लिस्ट यहाँ जारी कर दिया गया, यानी कि एमसीक्यू के रिज़ल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया था। अब दोस्तों, नीचे न्यूज़ एंड इवेंट के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे उनके टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन नोटिस ऑफ 67 एमसीक्यू टेस्ट क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर कैंडिडेट टू बी हेल्ड ऑन 21/9/2023, यानी 21/9/2023 को उनके टाइपिंग के टेस्ट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यहाँ से हम उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं जो लेटर यहाँ जारी की गई है टाइपिंग टेस्ट को रिलेटेड, उसे हम यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यह जो लेटर है वो 5/9/2023 को जारी की गई है। तो यहाँ पे बेल्टोन के द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर के एमसीक्यू परीक्षा 2022-23 में उत्तीर्ण 67 अभ्यर्थियों हेतु टाइपिंग एवं असुलिपि परीक्षा की सूचना जारी की गई है। तो दोस्तों, नवंबर 2022 और जनवरी 2023 में जो संपन्न हुआ था एमसीक्यू की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को टाइपिंग एवं असुलिपि की परीक्षा 1/7/2023 को ली गई थी, और पुनः एमसीक्यू की जो परीक्षा हुई थी जिसमें 67 कैंडिडेट पास आउट हुए थे, अब उनके टाइपिंग और असुलिपि यानी स्टेनोग्राफर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है 21/9/2023। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, टाइपिंग दक्षता परीक्षा यानी कि अंग्रेजी में आपका 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। असुलिपि की परीक्षा का स्तर हिंदी और अंग्रेजी में 80 वर्ड पर मिनट होगा। इच्छानुसार केवल अंग्रेजी अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी की परीक्षा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिया गया है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो अंग्रेजी में भी या तो हिंदी में या दोनों परीक्षाओं में आप भाग ले सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो दोस्तों, टाइपिंग जो हिंदी के जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गेल में ली जाएंगी, वो भी कीबोर्ड पे। तो यह जो परीक्षा का एडमिट कार्ड होगा दोस्तों वो 18/9/2023 को बेल्टोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के सहायता से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दी गई थी वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि चाहे तो आप अंग्रेजी में या तो इंग्लिश में या तो फिर हिंदी में आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, या फिर दोनों में आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो दोस्तों, जिसमें आप परिपत्ति पूर्ण होंगे यानी कि आप जिसमें अच्छा करते हैं उसी में आप टाइपिंग टेस्ट को दें, या फिर अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो दोनों भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जो यही सबसे मेन नोटिफिकेशन में नोटिस जारी की गई है कि आप सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश या फिर दोनों में किसी में भी आप परीक्षा दे सकते हैं, यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। और जितने भी 67 कैंडिडेट है वो अपना टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छे से दें और वो क्वालिफाई भी करें। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल्टोन से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।